हेलो फ्रेंड, देखिए ये है अरवा चावल है। इसको हम लोग फुला के रखे थे, फूल गया है, 2-3 घंटा हो गया फूल गया है, तो अभी इसको हम पीसेंगे। ये है लोड़ी सिलाती पर हम इसको पीसेंगे। देख सकते हैं इसको कैसे पीसेंगे। ये इस तरह से हम पीसेंगे इसको। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं कटोरी में। देखिए इस तरह से हम पुलावड़ी में बनते हैं, बिहारी स्टाइल में कैसे बनाते हैं आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम छोटा छोटा इसको काट लिए हैं, टुकड़ा को टुकड़ा करके देख सकते हैं इसको। और इधर हम पानी गरम कर दिए हैं, इसको हम बॉयल करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम बॉयल करेंगे, उसके बाद में हम बनाएंगे। इसका जो कच्चापन है इसका निकल जाएगा बॉयल करने से। तो देखिए चलिए हम इसको थोड़ा देर वेट करेंगे इसको बॉयल होने तक। उतना तक हम कुछ काम करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए अभी रात का समय हो गया है, 10 बज रहा है। तभी दिन में ये जो कद्दू इसको हम बॉयल करने के लिए दिए थे, लेकिन बॉयल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा हीटर में तारे टूट गया है, तो नहीं बॉयल नहीं हो पाया। इसीलिए अभी रात में हम बना रहे हैं इसको। देख सकते हैं ये हम बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करके अभी है ये चावल, अरवा चावल को फुलाए थे, इसको हम पीसे थे। और इसमें थोड़ा सा हम हल्दी दिए हैं, देख सकते हैं, और इसमें गोल मिर्च दिए हैं। और इसको हम मिक्स करेंगे, फिर नमक, इसको सब एक में सबको हम मिक्स करेंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम बनाएंगे फुलावड़ी। इसको खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। आप लोग भी खाइए, आप लोग भी बनाइए और खाइए, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कद्दू के फुलावड़ी। बिहारी भाषा में फुलावड़ी बोलते हैं, और झारखंडी भाषा में पकौड़ी बोलते हैं। तो चलिए देखिए हम मिक्स कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा तेल भी सस्पेन में गरम हो गया है, देख सकते हैं। और ये है मिक्स कर दिए हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा देंगे। देखिए ये इतना इतना, देखिए इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा देंगे। देखिए आना, तो देखिए फ्रेंड्स हम दोनों का फुलावड़ी देख सकते हैं। ये है एक साइड से पक गया है, तो दूसरा साइड हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, देख सकते हैं, इस तरह से हम पलट लेंगे। दूसरा साइड भी हम पलट लेंगे, इधर भी हम पकने के लिए देंगे। और देखिए मेरा आनंद खाने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि अभी नहा के आया है तो कपड़ा अभी नहीं पहना है, कहीं पैंट पहना, बहुत ज़्यादा गर्मी था। और तभी दिन में हम इसको बनाने वाले थे, लेकिन हीटर का तार फूट गया, इसकी वजह से हम नहीं बना पाए। अब तो अभी रात में हम बना रहे हैं, अभी 10 बज गया। और इसका बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनती है।
आपको लाउडी दूसरा साइड भी हम इसको पकने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये है, हम आप लोग को सामने से दिखाते हैं, देख सकते हैं ये है मेरा बन के तैयार हो गया है, मेरा पक गया है। तो इसको हम प्लेट में हम निकाल देते हैं, देख सकते हैं ये हम प्लेट में निकाल दिए और देखिए कैसा बना है, देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है इसका। तो आप लोग भी इसका जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्ट लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसको बिहारी स्टाइल में इस तरह से बनाते हैं पुलावड़ी, और बिहारी लैंग्वेज में इसको पुलावड़ी बोलते हैं और झारखंडी लैंग्वेज में इसको पकौड़ी बोलते हैं। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए इतना बाकी बचा हुआ है, इसको भी हम सारा बना लेते हैं, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मस्त। तो देखिए आनंद खाने के लिए बैठा हुआ है, आनंद पहले टेस्ट करेगा कैसा बना है बताएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा पुलावड़ी पकौड़ी बन गया है, कद्दू के पकौड़ी। तो आप लोग भी इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और आप लोग को कैसा लगा हमारा पकौड़ी पुलावड़ी कद्दू के पुलावड़ी वाला रेसिपी, तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मिलते रहे। तो जरूर आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो पर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए।